हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई एम अंकिता एंड यू आर वाचिंग स्कूट विद अंकू। तो अभी जस्ट मैंने पहले वाला व्लॉग एंड किया, अगर आपने नहीं देखा है वो वाला व्लॉग तो ज़रूर देख लेना। तो तुरंत ही मैं अभी वो एंड करके ये वाला नया वाला व्लॉग स्टार्ट करूँ। मतलब मैंने डिसाइड किया है कि फिलहाल अभी मैं डेली व्लॉगिंग ट्राई करने वाली हूँ। देखते हैं कब तक चलता है या फिर हमेशा यही चलता रहेगा, देखते हैं कैसा होता है डेली व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस। एंड तो आपने अगर कल के व्लॉग में देखा होगा तो हम लोग ने मम्मी के लिए एक नया फ़ोन लिया है। तो नहीं देखा तो ज़रूर देख लो वो वाला व्लॉग, कौन सा फ़ोन लिया आपको पता चल जाएगा। तो आज है, आज एक्चुअली बहुत कुछ है। आज तारीख क्या है, 14 अप्रैल है। तो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है एंड महावीर जयंती है, बैसाखी है एंड और भी साउथ में भी कुछ तो त्यौहार है, उसका नाम मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी। बट आज मतलब अच्छा दिन है तो आज ही के दिन हमने मोबाइल लिया है। ठीक है, अभी बज रहे दोपहर के, कितना बज रहे, 12:15। हमारा एक्चुअली घड़ी 15 मिनट आगे है तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 एंड अभी मेरा खाना खाने का टाइम है बिकॉज मैं 12:30 के बीच में खाना खाती हूँ। तो पहले खाना खा लेते हैं बिकॉज आज मेरी मम्मी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, मेरा फेवरेट है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनाया है। तो ये है मेरा आज का लंच, इसमें है सोयाबीन की भाजी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। एंड आज मैं थोड़ा सा राइस खाऊँगी एंड उसके साथ कर्ड एंड थोड़ा कांदा बिकॉज सोयाबीन की कड़ी के साथ कांदा ज़बरदस्त लगता है। तो ये हमारी चाय जो है बन गई है। मैं खाना खाने के बाद अब भी उठी हूँ, मतलब मैं कुछ देर 12:30 बजे मैंने खाना खाया एंड देन उसके बाद 1:30 बजे तक आई वॉज वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब। एंड पता नहीं, दोपहर की नींद है ना बहुत ख़तरनाक होती है, अगर उसको अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसको अवॉइड नहीं किया पहला आप गलती से भी सो गए तो वाट लग जाती है। मैं तो मोस्टली सोती नहीं बिकॉज मुझे रोज़ काम रहता है तो सोने नहीं मिलता है, बट आज छुट्टी है बिकॉज आज त्यौहार है तो ऐसे मुझे 4 दिन और 3 दिन मुझे छुट्टी है बिकॉज कल भी गुड फ्राइडे है एंड परसों सैटरडे संडे है तो मुझे हॉलीडे है। तो मैंने सोचा मैं ऐसे लेटती हूँ, थोड़ा 1 घंटा लेटूँगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा, कि नींद मेरी आँख बंद होती थी वीडियो देखते देखते। तो मैं जैसे मैंने आँख बंद की और मैंने सोचा सोने का तो सीधे फिर 1 घंटे बाद उठने का मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ मुझसे और मैं डायरेक्ट 5:30 बजे हुई, मतलब मैं 4 घंटे मस्त सोई हुई, मुझे रात को नींद नहीं आने वाली, यही बड़ा प्रॉब्लम। मैं और मामा भी फिर से आए थे उस दुकान पे बिकॉज मम्मी का जो पुराना फ़ोन था उसमें सब ट्रांसफ़र करना था हमें नए फ़ोन में। तो यहाँ पर अभी हम लोग आए थे एंड यहाँ पर DJ बज रहा है बिकॉज आज अम्बेडकर जयंती है, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो गर्मी हो रही थी इसलिए मम्मी ने बोला कि चलो गन्ने का जूस पीते जाते आते, तो 2 ग्लास ले लिया है एक मम्मी और मेरे लिए, थैंक यू मम्मी। तो ये देखो यहाँ पे अभी बज रहा था DJ बट अभी जैसे हम पहुँचे वैसे ही बंद हो गया। चलो अभी जाते हैं घर, बहुत लेट हो गया ना मम्मी ट्रांसफ़र करते करते, लेट हो गया हमारा तो। अरे यहाँ पे ठक्कर मैंगो मिल्क शेक आ गया है, मैंगो सीजन। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं कुछ 9:30, हमारी घड़ी आगे 15 मिनट एंड कल जैसे कि मैं दोपहर को सो गई थी तो उसके बाद मुझे नींद आई नहीं, मतलब मैंने जैसे कहा था कि अभी रात को मुझे प्रॉब्लम होगा नींद आएगी नहीं तो वैसे ही हुआ, मुझे रात भर नींद आई नहीं। सुबह 5:30 बजे मुझे नींद आई जब मम्मी योगा क्लास के लिए निकलती है तब मुझे नींद आई, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ दोपहर को सोने के लिए, बट क्या करें कभी कभी जब छुट्टी रहती है तो पता नहीं कहाँ से नींद आ जाती है, वैसे तो रोज़ आती नहीं है छुट्टी के दिन आ जाती है। तो मैं 5:30 बजे सोई एंड 8:20 को उठ गई थी, तो मुझे लगता है मैं कुछ 5, 6, 7, 8 3-3.5 घंटे ही सोई हूँ सिर्फ, अभी दोपहर को नींद नहीं आना चाहिए। मैं दोपहर को सोऊंगी नहीं, कुछ काम करूँगी बिजनेस रिलेटेड कुछ सीख लूँगी तब तक, मतलब उसी टाइम में मतलब मुझे नींद नहीं आएगी, ऐसे कर सकते हैं।
चलो अभी नाश्ता करते हैं एंड काम करते हैं। तो ये देखो गाइस, इडली एंड मेदू वड़ा, मुझे ऐसे सब कुछ सारी चटनी मिक्स करके खाना बहुत पसंद है। मम्मी ने मुझे काम दिया है, छुट्टी है तो मम्मी बोलती काम करो, तो मम्मी गुड मॉर्निंग करो भाई, गुड मॉर्निंग। तो मम्मी क्या काम दिया है? टोमेटो और कांदा काटने का, क्योंकि उसको जो दूसरी भाजी बनाया है उसको पसंद नहीं, उसके लिए टोमेटो की। दूसरी कौन सी भाजी बनाई है? वो हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मराठी में क्या बोलते? मराठी में घोसाली, घोसाली बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हिंदी में भी यार, मेरे को वो पता नहीं, बट कुछ तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे। ठीक है, तो अभी ये कट करना है मुझे एंड पपैया। पप्पा ने कल रात को पपैया लाया था ब्रेकफास्ट में। यस, ब्रेकफास्ट तो हो गया ना, इडली फिर से खाएंगे, डबल ब्रेकफास्ट। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:15 एंड हमारा लंच हो गया 12 बजे, मतलब 12:15 बजे मेरा हो गया लंच आज। एंड तो मैंने सोचा अभी थोड़ा स्टडीज़ करते, लैपटॉप खोल के बैठ गई हूँ एंड अभी थोड़ा स्टडीज़ करते हैं अपने बिजनेस के बारे में। तो अभी मेरा जस्ट काम ख़त्म हो गया है, अभी टाइम हो रहा है 3:51 एंड अभी 2 घंटे पहले ही मेरा व्लॉग रिलीज़ हुआ है, तो मैंने 2 बजे का टाइमिंग फ़िलहाल रखा है कि व्लॉग रिलीज़ करने का, तो वैसे ही टाइम पे मेरा शेड्यूल करके रख दिया था मैंने एंड वो रिलीज़ हो गया। तो उस पर एक कमेंट आया था, तो उसी कमेंट पे आज मैं ये चर्चा करूँगी और ये इस व्लॉग को शॉर्ट एंड सिंपल रख के एंड कर दूँगी। एक कमेंट भी बहुत लॉजिकल कमेंट है वो वैसे, एंड बहुत ही वैलिड कमेंट है, बिकॉज वो जो क्वेश्चन है वो मुझे भी काफ़ी बार आया था जब मैं दूसरों के व्लॉग्स देखती थी। तो बराबर उसने कमेंट किया है, जिन्होंने भी कमेंट किया, तो उसका आंसर मेरे हिसाब से मैं देती हूँ जितना मुझे नॉलेज है यूट्यूब के बारे में। तो क्या होता है कि समझो कि चैनल पे व्यूज़ एंड चैनल कैसा रहता है यूट्यूब पे, अगर समझो कि आपका कोई जॉनर है, जैसे कोई फिल्म होता है, जैसे कॉमेडी फिल्म होती है या फिर एक्शन वाली फिल्म होती है, कोई एडवेंचरस फिल्म होती है, रोमांस वाली फिल्म होती है, वैसे यूट्यूब का भी है। जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई खाना बनाने का स्पेशलिस्ट होता है, कोई मोटो ब्लॉगिंग का स्पेशलिस्ट होता है, कोई ट्रैवल कंटेंट बनाने में स्पेशलिस्ट होता है, कोई सिर्फ नॉलेज देने में स्पेशलिस्ट होता है, कोई फाइनेंशियल नॉलेज देने में स्पेशलिस्ट होता है। तो उनके जो चैनल्स रहते हैं एंड उनके जो व्यूज़ रहते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं एंड बहुत फास्ट सब्सक्राइबर भी उनके बढ़ते हैं, बिकॉज क्या होता है कि उस पर आपको पता है कि आपको जो नॉलेज चाहिए, जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, वो पर्टिकुलर व्लॉग में, वो पर्टिकुलर चैनल पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो जैसे कि अभी मेरे चैनल पे कैसा था, जब मैंने मेरा फर्स्ट व्लॉग जब रिलीज़ किया था, आपने अगर देखा होगा तो मेरे फर्स्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि मेरा जो चैनल है उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉग नहीं मिलेगा, इस पर आपको लाइफस्टाइल व्लॉग भी देखने मिलेगा या फिर उसका दोनों का कॉम्बिनेशन भी होगा उसी व्लॉग में। जैसे कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मैं थोड़ा मोटो व्लॉग भी मैंने कर लिया, तो ये सब एंड ट्रैवल करूँ तो एंड अगर ट्रैवल करूँ तो ट्रैवल व्लॉग भी उस पर मैं अपलोड करूँगी। तो मेरा ऐसा, मेरा जो चैनल है उस पर मैंने ऐसा कुछ पाबंदियाँ नहीं लगाई कि मैं सिर्फ एक ही टाइप का कंटेंट इसमें डालूँगी, तो बिकॉज मुझे पता है कि मैं रोज़ मोटो व्लॉग नहीं करती, मैं रोज़ ट्रैवल नहीं करती, मैं रोज़ मतलब जो भी चैनल मैंने स्टार्ट किया, मेरे जो चैनल पे मैं जो डालती हूँ मोस्टली, तो वो मैं हमेशा नहीं करती, तो मेरा अलग अलग होता है। कभी मैं घूमने जाती हूँ स्कूटर से, कभी मैं जाती हूँ घूमने बस से, ट्रेन से, कभी मैं ऐसी ब्लॉग कर लेती हूँ, तो ये सब मेरे चैनल पे है। तो जैसे कि मेरे जो ज़्यादा चलने वाले वीडियोस है वो है मेरे स्कूटर वाले, जो कि मैं स्कूटर से अगर मैं कोई राइड करती तो वो वाले जो भी वीडियोस है उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जैसे कि मैंने लद्दाख किया था स्कूटर पे, तो उस पर बहुत सारे व्यूज़ है, मतलब फर्स्ट वीडियो पे ही बहुत सारे व्यूज़ है, तो उसी की वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। मैं देखो, मैं झूठ कभी बोलती नहीं और मैं जो फैक्ट्स है मैं बता देती हूँ, और मुझे मेरे चैनल पर ऐसे ही रखना है कि जो फैक्ट्स है वो बताऊँगी मैं। तो जैसे कि मेरे राइड वाले ब्लॉग थे उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली जो बाइकिंग कम्युनिटी में इंटरेस्टेड है, जो कि स्कूटर पे राइड करने में जो इंटरेस्टेड है वो ज़्यादा है मेरे सब्सक्राइबर। तो इसी के वजह से जब मैं ऐसे ब्लॉग्स डालती हूँ, घर वाले ब्लॉग्स या फिर डेली ब्लॉग्स डालने अभी मैंने चालू किए हैं एंड जो ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं बाकी के, जो ट्रेन से मैं ट्रैवल करती हूँ, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनका जो टेस्ट है वो सिर्फ उनको राइडिंग वाले ब्लॉग्स देखने, तो जब भी मैं राइड करूँगी वो वही ब्लॉग देखेंगे। तो यही है कि मैं वैसे तो रोज़ राइड नहीं करती, वैसे आपको मैंने 10 बार बताया है, तो इसी की वजह से मेरे जो सब्सक्राइबर है वो ज़्यादा है एंड एज कम्पेयर टू माई व्यूज़ हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोली कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, मतलब जो व्यूज़ मुझे आ रहे हैं तो उसके हिसाब से, जैसे तो मेरे सब्सक्राइबर उतने हैं कि मतलब 2.5 के सब्सक्राइबर है, तो एटलीस्ट मुझे 500-600 या फिर 1K व्यू तो आना ही चाहिए था, बट नहीं आ रहे, तो यही है उसका आंसर। तो आई होप जिसने भी वो कमेंट किया था आपको मेरा आंसर पता चल गया होगा। मैंने उस पर लिखा नहीं, आपको रिप्लाई दिया नहीं, बिकॉज ये वैलिड था कमेंट और ये वैलिड क्वेश्चन सबको पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे बाकी के ब्लॉग्स को भी देख के आता था लोगों के, कि उन लोग के जो पर्टिकुलर ब्लॉग्स होते हैं वही चलते हैं ज़्यादा, मतलब वीडियोस, और बाकी उन्होंने कुछ अलग डाल दिया तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, तो ये तो चलता ही रहता है।
बस हमें यही है कि हमारा जो कनेक्शन होता है सब्सक्राइबर के साथ या फिर जो हमें फॉलो कर रहे हैं तो उनके साथ बस अपना कनेक्शन अच्छा बनना चाहिए। अगर एक बार कनेक्शन अच्छा बन गया तो आपके सारे वीडियोस चलने लगते हैं। तो देखते हैं मेरा कनेक्शन सब्सक्राइबर्स के साथ कैसा बढ़ता है। बिकॉज देखो मैंने तो अगर मुझे व्यूज़ नहीं भी आएंगे फिर भी मैं वीडियो डालती रहूँगी, मेरा जो काम है मैं वो करते ही रहूँगी। मुझे मेहनत करना है, मैं मेहनत करते रहूँगी। हाँ, फल की चिंता देख, फल की चिंता वैसी करनी भी नहीं चाहिए, भगवान सबको टाइम आने पर बराबर सबको देता है सब कुछ। तो वैसा ही है, मेरा जो काम है मैं करते जाऊँगी एंड व्यूज़ की चिंता मुझे नहीं है फिलहाल। बिकॉज मैं यूट्यूब पर डिपेंडेबल नहीं हूँ कि अगर यूट्यूब नहीं चलेगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा दूसरा भी बिजनेस चल रहा है, यूट्यूब तो बस फन के लिए मैंने स्टार्ट किया था, मेरे मेमोरीज बनाने के लिए मैंने स्टार्ट किया था एंड जो मैं एडवेंचर करते रहती हूँ लाइफ में, जैसे मैं राइड्स करते रहती हूँ या फिर बाकी के जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ करती हूँ उसके लिए मैंने ये चालू किया था ताकि ये मेरे मेमोरीज में रहे। बिकॉज मैंने यूट्यूब वीडियो चालू करने से पहले ही बहुत एडवेंचर किया लाइफ में, बट वो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था एंड मैं बहुत ज़्यादा पछताती हूँ इस बात पर। बिकॉज तब मेरे को इतना, तब अपने पास इतना मेमोरी भी नहीं होता था कि वीडियो निकाल निकाल के हम रख सके। तब अपने पास छोटा 2-3 GB का मेमोरी कार्ड होता था तो उसी में हम लोग फोटो निकालना है कि वीडियो निकालेंगे वो बहुत बड़ी बात होती थी। जितने भी फोटोज थे वो सारे मेरे लैपटॉप में, सॉरी मेरे कंप्यूटर में सेव रहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कंप्यूटर था उसका मदरबोर्ड उड़ गया एंड जो मेरा जितना भी उसमें मेमोरीज था वो सब उड़ गया। मैंने तब से मतलब थोड़ा मतलब बहुत बुरा लगा था मुझे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि YouTube इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यू नो शोकेस योर टैलेंट ऑल्सो एंड आप क्या करते हो वो भी आप दिखा सकते हो, आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं सब लोग YouTube चैनल खोल लो और अपना टैलेंट शो करते रहो इस पर। देखते हैं जो भी होगा वो देखा जाएगा। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना गाइज एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आपको पसंद आ रहा है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड पीस आउट।